देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजी सिन्हा। तीन कृषि कानूनों को वापस देने की मांग पूरे देश भर में जारी है, तो वहीं बिहार विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सदन के बाहर कार्यवाही से पहले माले विधायकों की तरफ से सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और किसानों का समर्थन किया गया। आपको हम बताएं, माले से विधायक है अजीत कुशवाहा और मनोज मंजिल, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आपको सुन लीजिए। आज किसानों के समर्थन में, जनता के समर्थन में है। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर के हठधर्मिता अपनाए हुए है, जबकि देश में जो आंदोलन चल रहा है उसके 111 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू तक रेंगने का काम नहीं किया है। उन किसानों के समर्थन में देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। आज पटना में भी किसान महापंचायत है। हम साफ तौर पर बिहार की सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आप बिहार के किसानों के पक्ष में खड़ा होते हुए, चूँकि बिहार के किसानों का भी सवाल है, बिहार के अंदर भी खाद्यान्न संकट है, बिहार के अंदर भी APMC एक्ट को खत्म कर दिया गया, बिहार के अंदर मंडियों को खत्म कर दिया गया, तो कम से कम बिहार के किसानों के पक्ष में सरकार खड़ी हो और केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजे कि जितना जल्दी हो आप ये जो काले कानून है तीनों खतरनाक, उसको आप वापस लें। इन्हीं सवालों पर आज का ये प्रदर्शन चल रहा है। किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव लिया जाए, किसानों के सभी तरह के फसलों पर MSP की गारंटी किया जाए और खाद्य वस्तुओं से अखाद्य वस्तु बनाने का बिहार सरकार का प्रस्ताव वापस लिया जाए। चावल, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, जौ और से ये जो इथेनॉल बनाने की सरकारी फरमान है, एक से इथेनॉल बनाने की सरकारी फरमान, ये बिहार में गरीबों को भूख से मार देगा, ये खाद्य सुरक्षा पर हमला है। और जब सरकार किसानों के फसलों की खरीदारी नहीं करेगी तो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को सस्ते दर पर अनाज कहां से देगी, इस सवाल पे हम लोगों का आज प्रदर्शन है। विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लो, बिहार विधानसभा से प्रस्ताव कर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजना होगा, तीनों काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सर आप इधर आइए, महबूब साहब वहाँ, महबूब साहब वहाँ खोलने से क्या अल्लाह ना, ठीक है, लगाइए सर, माला लगाइए। तीनों विरोधी तीनों कृषि कानून पीछे लेना, वापस हो, वापस हो, तो पीछे पर खरीद का। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं माले के विधायक किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजियां कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि लगातार माले विधायकों की तरफ से और विपक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वो तीन कृषि कानून जो लाए हैं किसान आंदोलन के हित में, उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो किसानों के समर्थन में नहीं है, कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है। इसी के साथ साथ उन्होंने बिहार सरकार को सलाह दी है कि बिहार सरकार को किसानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन में बिहारी किसान भी शामिल है। बहरहाल ये देखना होगा कि सदन में जब कार्यवाही होगी तो इसके इस पर क्या कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना बेहद अहम रहेगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना।